साल गुजरे तो पर साल भी गुजरे, क्या जी साल भी गुजरे तब वो जकात देने का। मेरा मकसद ये है कि ये जरूरी नहीं कि बंदे ने इस साल जकात दी और अगले साल भी इरादा करे कि मैंने जकात देनी है। नहीं, वो आदत देखी जाएगी, वो आदत देखी जाएगी। यही कुर्बानी का सिलसिला है। अगले दिन माना नारा करने की सिलसिला किया था, उसे किया था, उसे किया था, या इस्तेमाल नहीं करें, नहीं की पटसन करके जो करके याद नहीं कर दिया। नहीं, वाविशी हमें आसानी अल्लाह फरमाती है कि अगर तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो करो, नहीं वाजिब नहीं कर सकते। शरीयत की तरफ से तुम्हें कोई मौका नहीं। हाँ, अपनी नाम नबूद के लिए, अपने नाम के लिए या पिछले साल करते या करते आप नहीं की पता नहीं क्या हो गया यार, आपको भाई वो मालिक जाने, उसका बंदा जाने, उसकी आदत जाने और मालिक करीम की अदा जाने, वो नहीं उसने तौफीक दी। इसी तरह आज का मामला है वो कार्यवान रमदानी फतवा नबी इरशाद खुदा बंदी है मन सत्ता है सबीला, हज करो लेकिन जिसके ऊपर हज वाजिब हो कोई हज करे। बड़ा इंसान है, काफा कितना इंसान है, लेकिन दीगर उसके साथ मामला है ऐसे कि अगर वो किसी या जानने वाले से पूछे या शरीयत का फतवा दे तो उसके ऊपर हज नहीं बनेगा। सब कुछ मौजूद है लेकिन हज नहीं बनेगा उसके ऊपर। इसी तरह होता है जरा हम फेरे के हवाले से मुजफ्फरगढ़ की तरफ जाने लगे अपने बेटे के साथ, अपने देवर के साथ पहले वो नाश्ता आया, उसका भी अभी चढ़ने लगे तो फिर मैं उसके नीचे बहुत कहता है यार देखो बहुत दिन होता तो होता रखता है यार उसका बयान साफ है, साफ भी में रोजा आप है, साफ ही में रोजा आप अच्छा भी होगा जी जानवर को बता देना देवर के जल्दी भी काम देना क्योंकि दोस्त से नजर आता है तो फैल करते हुए था दोस्त आने मत। रोजे की भी यही हालत है, ज़कात की भी यही हालत है, हज की भी यही हालत है और नमाज की भी यही हालत है। नमाज में आसानी अगर यार बीमार है आप खड़े नहीं हो सकते, ख्याल नहीं कर सकते तो बैठ के पड़ेगा यार, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो देख के क्या, अरे हाथों के इशारे से नहीं तो आंखों के इशारे से भाई इसमें यानी रुख्सत है ना, रुख्सत है ना, रुख्सत है ना। दीदी इस्लाम की बड़ी बड़ी मेहनत है दोस्तान मन अल्लाह करीम की बरकत से भेजने वाला बनाए और हर बंदा कोशिश करता है मुसलमान कि अल्लाह के हबीब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत उनके नीचे जगह मिले और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से अल्लाह करीम ने इतना भी नबी मुता ने की थे खुले अल्फाज में खुले अल्फाज में इरशाद फरमाया मैं यूं कह रसूल का बताता ने मेरे रसूल की इताअत की उसने अल्लाह का हुक्म माना और इताअत रसूल खुदा का क्या सवाब है, क्या अजर है, क्या नेकी है, क्या बरकत है, क्या इनाम है और क्या समरा है। कयामत के दिन अल्लाह करीम के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों शरीयतों बात पे अमल करने वाला अल्लाह के प्यारे महबूब की बारगाह में हाजिर होगा, गुलामी में हाजिर होगा। वाला जन्नत की राह देने में देने से फरमाएगा और ये शाखे कमीने ये खानदान ये रंगो नसल को एक दूसरे की पहचान के लिए अल्लाह करीम ने बना दिया लेकारा को ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। मैंने तुम्हारे शोबे और कमीने और खानदान इसलिए बनाए हैं लेकारा को ताकि तुम पहचाने जाओ, पता पड़े आमिर भाई वो है जगी भाई वो है फला वो है फला वो है। अब सारे ही एक ही रंग में हो, सारे ही एक ही मेहनत में हो, सारे एक ही गुस्से में हो, सारे एक शक्ल सूरत में हो, फिर पहचान मुश्किल हो जाएगा यार। अल्लाह करीम का हम बेहसान है ना, और कयामत के दिन अल्लाह करीम हर एक मुसलमान बंदे
को जगदम्बी को जवान बना देगा, नौजवान बना देगा। थोड़ी मोहब्बत की बात किया ताकि हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, जैसे हम दिलनी करते हैं, मजाक करते हैं, और शरीयत में इसकी इजाजत है कि कुड़िया आई अपनी हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बागा हुसैन कुड़िया वाली कहते हैं जिंदगी में या रसूलल्लाह जन्नत में जाओ, जन्नत में जाओगी अल्लाह के प्यारे लोग फरमाने के नहीं, बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। ये सुना तो मायूस हो गए, अल्लाह के प्यारे रसूल की जुबान से ये कलमा सुने तो मायूस हो गई, किसी को किसी रात जाने लगी, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अल्लाह ने हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको कहो कि हर बुढ़िया इंशाल्लाह कयामत के दिन जवान होकर जन्नत में जाए। दोस्तों मन ये फकत मैं ही दुआ नहीं करता हूं, अल्लाह सबके हाथ में रहो कलम करवा देगा, खास कर गौर फरमाते होंगे कि मेरे अल्फाज होते मौला जब हमने मुसाफिर मौजूद है उनकी दुआ हमारे हक में कबूल करवा, क्यों, इसलिए कि मुसाफिर की दुआ जिन कबूल होती है और बद दुआ नहीं, यार बद दुआ नहीं होनी चाहिए, कभी कभी हो जाता है अल्लाह की तकदीर में जो लुटा आता है वो हो जाता है, इसलिए अल्लाह करीम की आयतें पर कभी हर एक चीज में मौजूद है। देखिए यार हम आपसे चाहते हैं शक्ति बड़ी बरकते हैं जायते हैं शर्म रवानी है अल्लाह की मेहरबानी है कैसे साफ फरमाया, मक्खी अल्लाह का सिस्टम देखिए, उसी शहद की मक्खी से हम शहद हासिल करते हैं यानी मीठी चीज खाते हैं, और वो शहद की मक्खी वही हमें काट जाकर उसमें जहर होता है, क्या होता है, कोई बंदा कहने लगा यार वो यार ये कैसे बात करते हैं, सोचते ना कि बात समझ नहीं आती ना, फिर उस बात का फिर वो मजाक करा, जब समझाया जाए ना यार ऐसे नहीं ऐसे उनकी अकल में आपकी जवाब दे, औलाद को बाजार में मौजूद है ना यार, ये पलास ये पेचकस ये टेस्टर वगैरह तो बाजार में मिलेंगे ना, अगर वो लेके प्रकाश भाई को बोलो यार इसका वोट ठीक कर देना, शाम को डॉक्टर के पास होंगे यार मुझे जमकर लिया बिजली कारीगरी ठीक करेगा ना यार, किताबें तो पढ़ी है तुम खानों में लेकिन मसाइल को ही काम देने को जानने वाले हैं ना यार। दो तालिबान अल्लाह करीम ने सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम को मानना होगा उसने जन्नत भी बनाई है, बाद लोग जन्नत जन्नत के मुमकिन है, बाद लोग किस चीज के मुमकिन है, बाद खुदा के भी मुमकिन है, लेकिन देखिए तीन इस्लाम का मेहमान वादा है इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं होगा, अल्लाह करीम इशार फरमाता है यार बोलिए आप लोग किसने में कहा था बड़ा पत्ता भी बहुत हुआ मेहमान शैतान दोबारा खुदा में उपत है, अल्लाह करीम शैतान के बाद से शैतान के बहकाने से शैतान के बदलाने से शैतान की चालबाजियों से वसवसे डालने से मालूम फरमाए। जब अल्लाह कहने लगा यार आप कहते हो गुस्सा हराम है गुस्सा हराम है गुस्सा हराम है, उसे को पी जाओ यार उसे को पी जाओ, तो इसका मतलब है हराम चीज को पी जाए, राज का सवाल ऐसे बनता है ना यार गुस्सा हराम है और गुस्से को पी जाओ, अरे भाईजान बात यह है कि गुस्सा निकालना हराम है गुस्सा जब्त कर लेना ये है, आपको किसी पे गुस्सा आया गुस्सा कर लिया तुरंत पड़ गया,